होर्स सीमन दुनिया का महंगा तरीन लिक्विड है। तलाई तमगा जीतने वाले घोड़े बिग स्टार से हासिल होने वाले सीमन की एक गैलन की कीमत 4.7 मिलियन डॉलर्स है और ये घोड़े की नस्ल पर मुनहसर होता है। अच्छी नस्ल के घोड़े 80 मिलियन से 1 लाख डॉलर्स तक कमा कर दे सकते हैं। जब एक बार ये जमा हो जाता है तो इनको ट्यूब्स की सूरत में फरोख्त किया जाता है, जिसको स्ट्रॉ कहते हैं। इनमें से एक तिनके की कीमत 1200 डॉलर्स है। बिग स्टार, जिनको इंतहाई जरखेज स्टालियंस कहा जाता है, वो दिन में एक बार सीमन हासिल करने के 22 बनते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि वो 8 माह के सीजन के दौरान 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत का सीमन पैदा करते हैं। और अगर स्टालियंस के सीमन आला मयार के हो तो इन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए स्ट्रॉ में फ्रीज किया जा सकता है। इसके लिए एक कारमा खास तौर पर तैयार किया जाता है। ये कारमा एक जौहरी बैंकर की तरह होता है, जहाँ पर तमाम के तमाम सीमन रखे जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों हजारों स्ट्रॉ भी फ्रीज होने के लिए रखे होते हैं। इसको 196 डिग्री पर जखीरा किया जाता है और करोड़ों डॉलर्स मालियत की ये सीमन घोड़ों की अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। घोड़ों की अफजाइश दुनिया में जेनेटिक्स का बादशाह कहलाती है। दौलतमंद लोग इसके लिए हाई प्राइसेस देने को तैयार होते हैं, इस उम्मीद पर कि इसके नतीजे में होने वाला बछड़ा सरमायाकारी पर बड़ा मुनाफा फराहम करेगा। बिग स्टार अब तक के बेहतरीन शो जंपर्स में से एक है। वो एक डबल गोल्ड मेडल जीतने वाला स्टालियंस है, जो इनमें से बहुत कम है। इसके पास ऑथेंटिक जेनेटिक्स हैं, जो जंपिंग देखने के लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं। इसके लिए सिर्फ भोसे की कीमत ही 1200 डॉलर्स होती है। शायद 3 या 4 साल बाद आपके पास 1 लाख डॉलर्स इस घोड़े के बच्चे की कीमत मिल सकती है। अगरचे ज्यादातर स्टड फॉर्म्स जिंदा जानवर पैदा करने की जमानत पेश करते हैं, लेकिन तजारती कामयाबी अब भी एक जुआ है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स के बावजूद तरहकीकत तमाम घोड़ों की खून की लकीर आपकी सोच से कहीं करीब है। साइंसदानों के एक बैनुल अक्वामी टीम के मुताबिक, जिसने 21 सालों के 52 घोड़ों के क्रोमोसोम्स को स्टडी किया है, अमली तौर पर तमाम जदीद घोड़े सिर्फ चंद असली स्टॉलियंस में से निकले थे, जिनमें गलियों के घोड़ों से लेकर गैलीलियो जैसे चैंपियन रेस घोड़ों तक स्याहों को जो सड़कों पर ले जाते थे। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इनके तमाम अच्छी नस्ल के घोड़ों में से 95% का पता सिर्फ चंद मुट्ठी भर आबाओ अजदाद से ही लगाया जा सकता है। डार्ली अरेबियन, जो कि 1700 में पैदा हुआ था, लेकिन अच्छी नस्ल के सीमन का अंदाजा करना उसमें भी मुश्किल है, क्योंकि नस्ल दूर के घोड़ों के लिए कुदरती तौर पर होती है। पेयर्स हॉर्सेस की दुनिया में हम बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि घोड़ों की अफजाइश के लिए मस्नूई हमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक कुदरती प्रोसेस जैसा लगता है। इस स्टडी की फीस तकरीबन 6,50,000 डॉलर्स है, लेकिन चूंकि अच्छी नस्ल के घोड़ों की अफजाइश कुदरती तौर पर होनी चाहिए, इस वजह से सीमन का जखीरा नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए गैलीलियो के सीमन की कीमत के बराबर होने के लिए कुछ इखराज की जरूरत होती है। नेचुरल प्रोसेस के दौरान गैलीलियो औसतन 50 मिलियन सीमन खारिज करता है और ये फीमेल हॉर्सेस के लिए बेहतरीन औसत है। इसकी एक गैलन की कीमत 49 मिलियन डॉलर है, जो कि इसको जमीन पर सबसे महंगा लिक्विड करार देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इस काबिल है? तो गैलीलियो की औलाद की कामयाबियों ने इस बात को साबित किया कि ये वाकई इस काबिल है। इसने कम से कम 84 मुकाबलों में मेडल लिया, जिसमें फ्रैंकल भी शामिल है, जिन्हें अब खुद भी स्टड में टाल दिया गया है, जिसकी 2,20,000 डॉलर्स के लगभग दूसरे सबसे ज्यादा फीस है। इसके बदले में इसने मजीद 10 फुतुहात को अपने नाम किया, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। इस तरीकाकार की महफूज होने के बावजूद साइंस और नेचर के इर्द गिर्द इसकी मोरालिटीज के लिए मस्नूई हमल को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जाता है। तकरीबन इनमें से 10% ऑर्थोपेडिक मसाइल का सामना करते हैं और अक्सरियत फेफड़ों में वर्जिश की वजह से खून रहने का शिकार होते हैं। इसके बावजूद एक नस्ल के मौसम में 100 से ज्यादा घोड़ियों के लिए स्टालियंस को रेडी किया जाता है। घोड़ों के गोश्त की मंडी में कुछ अच्छी नस्लों को जबा करने के लिए फरोख्त भी किया जाता है। रेसिंग शोज, जंपिंग ड्रेसेज वगैरह में इतनी रकम के साथ साथ घोड़े के सीमन की कीमत मुस्तहकम रहेगी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।